हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हम सोते हुए उठे, हमें पता भी नहीं, तो एकदम भड़बड़ा के छत गिर गया। उन्नाव से आ रही बड़ी खबर आपको बता दी। उन्नाव में एक बार फिर कच्ची छत अचानक भड़बड़ा कर गिर गई। अचानक गिरी छत के मलबे के नीचे घर के 5 लोग दब गए। छत गिरने का शोर सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह से मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। इसके बाद घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। वहीं इस घटना ने ये साफ कर दिया है कि किस तरह से प्रधानमंत्री आवास देने में मनमानी हो रही है। घायल बुजुर्ग महिला ने बताया, पिछले कई सालों से वो प्रधानमंत्री आवास के लिए नाम भेजती है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और ऐसा दोबारा हुआ है कि जब उनके घर की कच्ची छत गिर गई। ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारी इंतजार में है कि जब तक इस परिवार का कोई अपनी जान नहीं गवा देगा, तब तक उनकी आंखें नहीं खुलेंगी। क्या आज हुआ है, क्या घटना हुई है? हम सोते हुए उठे, हमें पता भी नहीं, तो एकदम से भड़बड़ा के छत गिर गई। आके कच्ची थी। हाँ, अच्छा। और उसके बाद में हम उसमें दब गए। कौन कौन दबा है उसमें? हमारा भैया दबा है, मेरी माता, और मेरे वाइफ, और हम। अच्छा, आप लोग दब गए। हाँ। आप लोगों को चोटें आई हैं। हाँ। अच्छा, कच्ची छत है, कॉलोनी क्यों नहीं दी गई आपको? कॉलोनी हमने 4 साल से भरी है, लेकिन नाम आ रहा है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा। हाँ। इसके पहले भी छत आपकी गिरी थी क्या? हाँ, गिरी थी। मिल रही जानकारी के मुताबिक उन्नाव के बांगरमऊ के मोहल्ला दरगाह शरीफ के रहने वाली आलिया खातून अपने पूरे परिवार के साथ घर में सो रही थी। जैसे ही वो सोकर उठी, अचानक ही भड़बड़ा कर उनके घर की कच्ची छत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। छत के मलबे के नीचे बुजुर्ग आलिया खातून, उनका बेटा बहू सहित 5 लोग दब गए। घर की छत गिरने की आवाज सुन आसपास के लोग आनंद फानन में वहां पहुंच गए। सभी ने किसी तरह से मलबे से सभी को बाहर निकाला और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए पहुंचाया। यहां पर सभी घायलों का इलाज जारी है। घायल आलिया खातून ने बताया कि इससे पहले भी उनके घर की छत गिर चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए पिछले 6 सालों से लगातार कोशिश में लगी है, लेकिन हर बार उनका नाम काट दिया जाता है। इस घटना से ये साफ हो जाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री आवास देने के नाम पर गड़बड़ झाला होता है। इसमें जिम्मेदार अपने चहेतों को तो आवास मुहैया करा देते हैं, लेकिन जरूरतमंद बेचारे बस चक्कर काटते रह जाते हैं। संवाददाता अजय द्विवेदी की रिपोर्ट, उन्नाव, यूनिसूपी।